लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आए। इस चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को काफी नुकसान हुआ, वहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को बंपर फायदा हुआ है। इस चुनाव में कई राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिवार वाले भी किस्मत आजमा रहे थे। तो आइए जानते हैं कि इस चुनाव में उनका क्या हुआ। उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बेटे और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव जीत गए हैं। अखिलेश यादव ने 1,70,922 वोटों के अंदर से जीत को हासिल किया है। अखिलेश को कुल 6,42,292 मत हासिल हुए। बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक को 4,71,370 वोट मिले हैं। रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट डॉक्टर अरविंद शर्मा को 3,45,298 वोटों से हरा दिया है। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार दीपेंद्र हुड्डा को 7,83,578 वोट मिले। वहीं मौजूदा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा को 4,38,280 वोट मिले। दीपेंद्र सिंह के पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा दो बार मुख्यमंत्री रहे हैं। हमीरपुर से बीजेपी प्रत्याशी और अनुराग ठाकुर को जीत मिली है। इस बार उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा को 1,82,357 मतों से हराकर जीत हासिल करी। अनुराग ठाकुर को 6,07,068 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के सतपाल रायजादा को 4,24,711 वोट मिले। अनुराग ठाकुर के पिता प्रेम कुमार धूमल दो बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रह चुके एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी चुनाव हार गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से अनिल एंटनी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने उनको पथानाम शिट्टा से उम्मीदवार बनाया, हालांकि यहां से उनको करारी हार मिली। एंटनी 2,34,406 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। इसी सीट से कांग्रेस के एंटो एंटनी को जीत मिली है। राजस्थान के जालोर से पूर्व मुख्यमंत्री वैभव गहलोत चुनाव हार गए हैं। उनको बीजेपी के लुम्बाराम ने 2,01,543 वोटों से हरा दिया है। वैभव को 5,95,240 तो लुम्बाराम को 7,96,783 वोट मिले हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनाव हार गए हैं। नकुलनाथ को बीजेपी के उम्मीदवार बंटी साहू ने 1,13,618 वोटों से मात दी है। बंटी साहू को 6,84,738 वोट मिले, जबकि नकुलनाथ को 5,31,120 वोट मिले। महाराष्ट्र के सांगली लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वसंत दादा पाटिल के पोते विशाल पाटिल 1,53,000 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने बीजेपी के संजय पाटिल को हरा दिया है। विशाल पाटिल को 5,71,666 वोट मिले, जबकि संजय पाटिल को 4,71,613 वोट मिले। महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट के पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को 1,58,333 वोटों से जीत मिली है, जबकि डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को हरा दिया है। सुप्रिया सुले को 7,32,312 वोट मिले, जबकि सुनेत्रा पवार को 5,73,979 वोट मिले। बिहार के पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की बेटी मीसा भारती चुनाव जीत गई हैं। मीसा ने रामकृपाल यादव को 85,174 वोटों से हरा दिया है। मीसा को 6,13,283 वोट मिले, जबकि रामकृपाल यादव को 5,28,109 वोट मिले। वहीं सारण से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य पहली बार चुनावी मैदान में थी। यहां वो बीजेपी के राजीव प्रताप रूड़ी से 13,661 वोटों से हार गई। राजीव प्रताप रूड़ी को 4,71,752 वोट मिले, जबकि रोहिणी आचार्य को 4,58,091 वोट मिले। खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी रवि राज ने। मेरा नाम है विभावरी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।